हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे सभी लोग। फ्रेंड्स, आज बैठे बैठे मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हुई, तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए जो मज़ेदार हो, टेस्टी हो और फटाफट बन भी जाए। तो दिमाग में आया कि चलो फ्रेंच टोस्ट बनाते। तो नॉर्मली सब चीज़ें घर में आमतौर पर सभी के घर में मौजूद होती हैं, जैसे ब्रेड है, अंडा है और शुगर है, मिल्क है और ये वेनिला एसेंस है, फूड कलर है, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालिए, वरना आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं अंडे तोड़ लेती हूँ। अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे हमारे फिट गए हैं, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैं पीसी हुई शक्कर ले रही हूँ, आप साबित भी डाल सकते हैं। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें शक्कर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं इसलिए ले रही हूँ कि आसानी से घुल जाएगी इसके अंदर। शक्कर और अंडा हमारे अच्छे से फिट गए हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालूंगी। जैसे मैंने पहले बताया, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो बस थोड़ी खुशबू आ जाएगी और नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वैसे भी बहुत मज़े के बनते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बनाना फ्रेंच टोस्ट भी अपने चैनल पे डाल चुके हैं, आप प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिएगा। अब थोड़ा सा हम इसमें दूध ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा, हमें बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से, बस ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है इसकी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप अपने अंडे बढ़ा सकती हैं, और बस कंसिस्टेंसी आपको ऐसी रखनी है, दूध को आपको फिर उसी हिसाब से ऐड करना होगा। अगर ये ज़्यादा पतली हो जाएगी तो फिर ब्रेड पे कोट नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को कलरफुल चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, तो बच्चे इसे फिर इजीली पसंद करेंगे खाना। बहुत से बच्चे अंडा नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को अंडा खिला सकती हैं। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें साबित शक्कर डाल रही हैं, तो मतलब पीसी भी नहीं डाल रही हैं, तो आप जब तक शक्कर अच्छे से घुल ना जाए तब तक आप इसे फेंटिएगा। पीसी भी शक्कर डालने का यही फ़ायदा है कि ये जल्दी से तैयार हो गया बैटर हमारा। फ्रेंड्स, ये मैंने 6 स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के, ये ब्राउन ब्रेड है, आप नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकती हैं और ये वाले भी यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने एक पैन ले लिया है, हम इसमें सबसे पहले घी डालेंगे। मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड का करना चाहें तो रिफाइंड का करिएगा। ब्रेड को हम इस तरह से डिप कर लेंगे और वैसे ऐसे उठा के इसको उसमें डाल देंगे पैन में। मेरा पैन छोटा है, इसमें 2 ही आ पाएंगे, तो मैं 2 ही डालूंगी। आपका बड़ा हो तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, ये ना हो कि ये जल जाए, बिल्कुल हमें बस गोल्डन ब्राउन होने तक अभी ने तलना है या फ्राई करना है। थोड़ा सा मैं इन पे घी और लगाऊंगी। आइए देखते हैं गोल्डन ब्राउन हुआ या नहीं हुआ। हो गया है, बस ऐसे हमें चाहिए, दोनों पलट देंगे। फ्रेंड्स, ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बना के। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर दूसरा भी बैच हम अपना ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं अपना। अच्छा फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा बैटर में ब्रेड को ज़्यादा देर डिप करके मत छोड़िएगा, बस जब आप डालें फ्राई कर रहे हो तभी आप डिप करें और डाल दें, वरना ये मुलायम हो जाएगी और फिर आप सही से फ्राई नहीं कर पाएंगे। अब हम इन्हें भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे शैलो फ्राई। मैंने पलट दिए हैं, थोड़ा सा मैं इन पे घी और लगा रही हूँ, मुझे सूखे सूखे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया फ्रेंच टोस्ट बनके हमारे तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बस मैं अभी ने भी निकाल लेती हूँ प्लेट में।
फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, हमारे शानदार फ्रेंच टोस्ट बनके तैयार हैं। इन पे मैंने थोड़ा शहद स्प्रिंकल कर दिया है, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े के बने हैं और बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार होती है। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।